हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निलेश शुक्ला। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इन बचे हुए 7-8 दिनों में बीपीएससी टीआरई एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। आपका जूनियर का एग्जाम 19 को है और टीजीटी का एग्जाम 21 तारीख को है, तो हम बात करेंगे कैसे आप इन बचे हुए 7-8 दिनों का सदुपयोग करते हुए एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं बीपीएससी टीआरई एग्जाम में। हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में। तो देखिए, मेरा सामाजिक विज्ञान विषय से जूनियर में भी सिलेक्शन हुआ था और टीजीटी में भी सिलेक्शन हुआ था। जूनियर में मेरी रैंक थी 487 और टीजीटी की रैंक थी 134। तो देखिए, किस तरीके से आप बचे हुए समय का सदुपयोग करेंगे, और अभी अगर आप कहीं से कोई कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको स्टॉप कर दीजिए, कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आप उसको भी स्टॉप कर दीजिए, या फिर अगर आप अभी भी कोई जो है नोट्स पढ़ रहे हैं, पीडीएफ पढ़ रहे हैं, तो अभी आप इन सभी चीज़ों को बगल कर दीजिए और केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करिए जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं या जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो ये मतलब एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप इसे स्किप करके जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। और जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आ रहे हैं, आप वो क्वेश्चन कोई किताब पढ़ के या लक्ष्मीकांत भी पढ़ के आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आएंगे वो चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलती हैं, केवल एनसीईआरटी में ही मिलती हैं। तो एनसीईआरटी कौन सी करनी है या बिहार स्टेट बोर्ड की किताब पढ़नी है, ये भी कन्फ्यूज़न रहता है, तो इस कन्फ्यूज़न को भी क्लियर करेंगे हम। तो देखिए, एनसीईआरटी आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए तो एनसीईआरटी ही पढ़ना है, 9-10 का आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये वाली जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, जैसे ये है पार्ट 1, ये 9th की है, ये पार्ट 2 है, ये 10th क्लास की है। तो आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए, चूंकि देखिए आपका एसएसटी में दो सब्जेक्ट होता है, एक हिस्ट्री आप मान लीजिए रखेंगे और एक पॉलिटिकल साइंस रखेंगे, चूंकि मेरा यही विषय था तो मैं इस विषय के बारे में बेहतर आपको बता पाऊंगा। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको देखिए ये कर लेना है ज़रूर, एनसीईआरटी आपको तो पढ़ ही लेनी है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तब के लिए, क्योंकि आपको पढ़ लेना चाहिए था अभी तक। हालांकि अगर नहीं पढ़े हैं आप तो भी आप रिवाइज कर सकते हैं, अभी आप अभी भी लगभग 8-9-10 दिन का समय है, तो आप एनसीईआरटी को रिवाइज कर लीजिए। पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और अगर आपका विषय इतिहास है तो इतिहास के लिए आपको बिहार बोर्ड्स की जो किताबें चलती हैं 9-10 की, स्पेशली वही किताब आपको पढ़नी है। मैं आपको एक किताब दिखा सकता हूँ अभी, ये किताब है जो मैं बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, ये क्लास 9th की है, ऐसे ही क्लास 10th की भी आती है हिस्ट्री की बुक, उसमें भी ठीक ठाक कंटेंट है और इसमें भी ठीक ठाक कंटेंट है। और ये किताब अगर आप चाहेंगे तो आप इसे बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं, 2 दिन में पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको करना क्या है कि कोई भी अगर आपको फैक्ट मिल रहा है तो उसे केवल और केवल पॉइंट आउट कर देना है, उस पर अंडरलाइन कर देना है, या उसे नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए, 1-2 बार याद कर लीजिए, वो आपको याद हो जाएगा। मुश्किल से आपको एक चैप्टर में 4-6 ही लाइनें मिलेंगी जो आपको याद करना होगा, बाकी तो ऐसा कोई फैक्चुअल चीज़ बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, मतलब जो थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं आपको वही याद करने हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं। हिस्ट्री के लिए आपको बिहार स्टेट बोर्ड की किताब पढ़नी है, और पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी जो नेशनल लेवल पे चलती है वो पढ़नी है आपको। तो ये लगभग एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो भी मामला है वो हम लोग समझ चुके हैं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, देखिए चूंकि अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 9-10 का, तो और अगर आप जूनियर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस अच्छे खासे आ रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप क्या करेंगे, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए किताब आती है, ये किताब परीक्षा वाणी की है, ये पूरी किताब नहीं पढ़नी है, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन का एक पार्ट है, मेरे ख्याल से 60 पेज में है वो, 55-60 पेजों में राष्ट्रीय आंदोलन वाला पार्ट है। तो राष्ट्रीय आंदोलन नाम से एक चैप्टर ही है इसमें, आप उस चैप्टर को 1-2 बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि 50-60 पेज पढ़ना आप एक दिन में पढ़ सकते हैं 50-60 पेज, लेकिन आप आराम से पढ़िए, 20-20 पेज करके पढ़िए या 30-30 पेज करके पढ़िए, आप इसे 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, आपको यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि जूनियर में भी यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं और टीजीटी में तो खैर आएंगे ही आएंगे। टीजीटी के लिए तो ये अनिवार्य है आपको करना, जूनियर में आपको एक बार अगर आप सरसरी निगासी से पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी कारगर होगा। तो ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट। और अभी जैसे हम बात करें कि टीजीटी के लिए आप और क्या कर सकते हैं, देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, और अगर आपने अभी तक बहुत हाई लेवल की कोई प्रिपरेशन नहीं की है तो उस उद्देश्य से अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग लूसेंट लेवल की कोई किताब तो पढ़ ही लेनी चाहिए, लूसेंट लेवल की जैसे मान लो या क्राउन की आती है, वो क्राउन की काफ़ी अच्छी किताब है वो, तो क्राउन की बुक से आप या लूसेंट की बुक से
अब मतलब पॉलिटी वाला भाग और हिस्ट्री वाला भाग देखिए केवल मॉडर्न पे फोकस करिए। अगर आप जूनियर का एग्जाम देने जा रहे हैं ना तो आप केवल मॉडर्न पे फोकस करिए। अगर आप 6 to 8 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो केवल आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि जूनियर में हमने देखा कि 2 बार एग्जाम हुए और मतलब एंसेंट और मिडवेल के तो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और अगर आप TGT का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लगभग क्राउन की किताब तो पढ़ ही लीजिए, हिस्ट्री वाला जो पार्ट है क्राउन की बुक में जो दिया हुआ है, सामान्य ज्ञान की जो किताब आती है क्राउन की, तो उसमें आप हिस्ट्री वाला पार्ट उसका कवर कर लीजिए। या अभी अगर आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे तो जो चीज़ें बॉक्स में लिखी हैं उन्हें ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे भी वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन TGT में मिले थे और आपको भी उम्मीद है कि वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आप जूनियर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करिए। और आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, बाजार में तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, लेकिन देखिए बाजार में जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उसमें बहुत सारे तो नहीं काम के हैं, वो यूजलेस हैं। कुछ एकाक अच्छे होंगे तो वो मुझे नहीं मिले थे और मैं बता भी नहीं पाऊंगा आपको कोई प्रैक्टिस अच्छा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, देखिए आप सबसे बेहतर तो आप ये होगा कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं, PCS के एग्ज़ाम होते हैं, आप उन क्वेश्चंस को लगाइए। आपको उसका PDF भी मिल सकता है अगर आप देखेंगे तो, या आपको मार्केट में कोई किताब मिल जाएगी, लूज शायद इसके घटना चक्र की किताब आती है, तो घटना चक्र की बुक से आप वहाँ के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको केवल मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस पे फोकस करना है अगर आप जूनियर का एग्जाम देने जा रहे हैं, और अगर आप TGT का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप एंसेंट और मिडवेल के भी क्वेश्चंस एक बार देख लेंगे, और साथ ही साथ पॉलिटी के भी क्वेश्चंस आप देख लीजिए जो भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं अभी तक बिहार PCS में। मेरे ख्याल से 69 BPSC हो चुका है, तो ये आपको देख लेना है। और अभी हम बात करें कि जो 40 नंबर का हमारा आता है सेक्शन GS का, उसको हमें कैसे प्रिपेयर करना है, तो देखिए उसमें 8 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे जो कि आपके लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे BPSC के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछे गए हैं वहाँ से। आप वहाँ अगर इतना कर लेते हैं तो लगभग आपको 4-5-6 क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली मिल सकते हैं। और जो मैं आपको बताऊं कि ये वाणी पब्लिकेशन की किताब है, अगर आप थोड़ा इसको भी पढ़ लेते हैं जो 50-60 पेज है राष्ट्रीय आंदोलन का, वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लगभग आप 6-7 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और बात करें हम ज्योग्राफी की, जो देखिए ज्योग्राफी BPSC में जो ज्योग्राफी आती है वो बेसिक ज्योग्राफी से थोड़ा हट के आती है, मतलब ऐसा कोई फैक्चुअल चीज़ नहीं पूछ लेते। जो क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे लेवल के होते हैं, ज्योग्राफी BPSC की बहुत ठीक ठाक आती है, खासकर TRE एग्जाम्स में तो अलग ही लेवल की ज्योग्राफी आ रही है। तो उसके लिए देखिए आप कोई किताब मत पढ़िए, कोई कोर्स मत फॉलो करिए। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो आप BPSC के क्वेश्चंस अगर आप लगा पाएं तो लगा लीजिए, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे गए हैं, या जितने भी TRE एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो है देख लीजिए, या फिर आप जो है 68 और 69 BPSC के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस ज़रूर देख लीजिए। एक्चुअली आप 68 और 69 BPSC जो भी ये दोनों हुए हैं इसका पेपर और आंसर की के साथ रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको ये दोनों पेपर आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे, जो 68 BPSC हुआ है और 69 जो BPSC हुआ है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस ठीक ठाक मिल जाएंगे। तो देखिए ज्योग्राफी के लिए आपको किताब पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको किताब पढ़ेंगे आप फैक्चुअल चीज़ें आप याद करेंगे, वो चीज़ें वहाँ पूछनी नहीं जा रही हैं अच्छे खासी लेवल की जो ज्योग्राफी पूछी जा रही है। करंट अफेयर्स के लिए भी आप क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के लिए भी देखिए जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उन्हें तो आप पढ़ ही लीजिए, क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो सकते हैं इसकी पूरी उम्मीद रहती है, क्योंकि BPSC क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट करती है, करंट अफेयर्स के भी रिपीट होते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए भी आप केवल जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आप उन्हीं को देखिए, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं TRE एग्जाम्स में, चाहे वो 68 BPSC में पूछा हो चाहे 69 BPSC, 68 का छोड़ दीजिएगा लेकिन 69 BPSC क्वेश्चन आ सकते हैं, भले वो साल भर पहले का एग्जाम हो लेकिन फिर भी वहाँ से क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स में मिल सकते हैं, या फिर जो भी कोई नेशनल इवेंट है या कोई इंपॉर्टेंट अगर इंटरनेशनल इवेंट है तो उस चीज़ को आप किसी शॉर्ट वीडियो में भी देख सकते हैं उसे। जनरली मैं तो केवल कोई एक मैराथन देख लिया था उसके लिए, तो वहाँ से मतलब कवर कर सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा फिर भी आप जो है एक कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ आपने पढ़ा है। और इसमें देखिए हम ज्योग्राफी भी बात कर चुके, करंट अफेयर्स पर बात कर चुके, और हम बात कर चुके हैं हिस्ट्री पे, मॉडर्न हिस्ट्री जो 8 नंबर की आती है। और साइंस और मैथ अगर आपका अच्छा है तो पढ़िए, अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं इसे। हालांकि मैथ के कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, आप उन्हें समझ के लगा सकते हैं अगर समय है आपके पास, तो समय अगर नहीं बचेगा तो आप नहीं लगा पाएंगे। अगर आपको आती है मैथ तो आप पूरा कर ले जाएंगे, बहुत टफ नहीं आती है,
साइंस अगर आपको आती है तो साइंस हालांकि क्वेश्चंस टफ थे, थियरी टू के तो क्वेश्चंस उसमें न्यूमेरिकल वगैरह भी थे, तो थोड़े साइंस के क्वेश्चंस टफ हैं। और मैथ्स अगर आपको आती है तो आपके लिए बहुत आसान है, अगर आपको नहीं आता है मैथ्स तो आप परेशान मत होइए, चूँकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप कुछ जो है तुक्कों के भरोसे भी रह सकते हैं। और देखिए तुक्का आपको लगाना आना भी चाहिए, जैसे अगर आप मैथ्स में के कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, आठों क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप एक ही ऑप्शन को चूज़ करिए और सभी में उसी को लगा दीजिए, चाहे तो ए लगा दीजिए, चाहे बी लगा दीजिए, चाहे सी लगा दीजिए, क्योंकि मैथ्स में संभावना है कि ए बी सी में से ही सही होगा, डी और ई में एकाक हो सकते हैं, कभी कभी सही हुआ है डी में ई में भी, तो वो आपका जो है हालांकि डिपेंड करेगा इसी पे कि आप कोई भी एक ही ऑप्शन चूज़ करिए अगर आप सारे क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो। ठीक है, देखिए यही अभी आपके मतलब यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अभी कम समय में आप कैसे करेंगे, और इतना चीज़ आप कम समय में कर सकते हैं क्योंकि पिछली बार भी हम टीआरई टू में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला था, एक डेढ़ महीना का ही समय था, तो एक डेढ़ महीना हालांकि बहुत है, पर्याप्त है, और अभी आपके पास 10 दिन हैं तो ये भी बहुत हैं, कम नहीं है, 10 दिन पर्याप्त हैं। अगर आप ठीक से इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली जो है ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। मेरा जो स्कोर था टीजीटी में भी मेरा 88 मार्क्स था, और मेरा जूनियर में भी 88 मार्क्स था, जूनियर में मेरा जीएस में 24 मार्क्स था और 64 मार्क्स था सब्जेक्ट में, जो 80 मार्क्स का था, और टीजीटी में मेरा सब्जेक्ट में था 61 मार्क्स और जीएस में था मेरा 27 मार्क्स, ये मेरा स्कोर था। तो मैंने यही चीज़ें फॉलो की थी, लगभग एक महीना मैं ये चीज़ें फॉलो किया था, और अभी आपके पास 10 दिन हैं तो आप 10 दिन में भी चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं और अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, इस वीडियो में आपको यही बताने का उद्देश्य था।